अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक छोटे आईफोन को बड़ा कैसे बनाया जाए बिना ज़्यादा पैसे स्पेंड किए। इस वीडियो का आइडिया मुझे एक रैंडमली कमेंट के थ्रू आया और उसके बारे में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि लोग वाकई ये कराना चाहते हैं और करा भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग किस तरह अपने एक आईफोन एक्स को मिसाल के तौर पर आईफोन 12 प्रो में कन्वर्ट करा सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। क्योंकि आप लोगों को पता है 12 प्रो एक्चुअल में बाय करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको सारे फीचर्स वगैरह 12 प्रो के मिलेंगे, बट आप पीछे से लुक और अपनी स्क्रीन को बिल्कुल कन्वर्टेबल कर सकते हैं आईफोन 12 प्रो में, और इसी तरह बहुत सारी मिसालें आपकी स्क्रीन पर हैं। और बिलीव मी, वही मटेरियल यूज होता है बैक पर फ्रंट पे जो कि एक ओरिजिनल आईफोन में होगा, और ऐसे ही लगेगा कि आपके पास वही लेटेस्ट सीरीज वाला आईफोन है। कोई भी इवन टच करके और फील करके भी नहीं बता सकता कि आपके पास कोई पुराना आईफोन है। और इसी के नुकसानात और अच्छाइयों के बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डाउनसाइड क्या है। आप लोगों को पता है कि आप लोग कोई सा भी मॉडल याद रखिएगा, जैसे आईफोन एक्स का जो साइज है वो 12 प्रो में ही कन्वर्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि आईफोन एक्स को आप 13 प्रो मैक्स बना दें या 12 प्रो मैक्स बना दें। आईफोन 10s मैक्स के साथ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि साइज वेरी करता है, साइज डिफरेंस करता है। सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि आप इतने ज्यादा पैसे स्पेंड भी नहीं कर रहे होते और आपको बिल्कुल आईफोन आपका कन्वर्ट होके एक लेटेस्ट फोन में तब्दील हो जाता है। आपको बिल्कुल वही बिल्ड क्वालिटी मिलती है, कोई भी पता नहीं कर सकता कि ये आपका ओरिजिनल आईफोन है या आपने कन्वर्ट कराया है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसे हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं डाउनसाइड के बारे में। मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे और मेरे पास एक केस भी डिस्कस करने के लिए कि लोग पूछ रहे हैं इसकी डाउनसाइड क्या है, क्या कैमरा वर्क नहीं करता या कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हम 12 प्रो में कन्वर्ट कराने के बाद मिस कर पाएंगे, यानी कि फेस आईडी या कोई भी ऐसा फीचर आईफोन में। तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट मेक श्योर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, क्योंकि लोकल के पास जाएंगे तो आपका कुछ ऐसे ही हाल होगा जैसा एक बंदे के साथ हुआ, उसकी फेस आईडी वर्क नहीं कर रही और साथ ही साथ उसकी जो स्क्रीन है, जो नई कन्वर्टेबल स्क्रीन है, वहां पर लैग फील करने को मिल रहा है, लो लेटेंसी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आप किसी भी शॉपकीपर को दे देंगे जो कि प्रॉपर ये वर्क नहीं जानता और कुछ पैसे बनाने के चक्रों में ये कर रहा है। अब बात करते हैं फाइनली कि आप ये जो काम करवा रहे हैं इसमें पैसे कितने खर्च होने वाले हैं। सपोज कीजिए आप आईफोन एक्स को आईफोन 12 पे कन्वर्ट करा रहे हैं तो एक पूरी किट आती है इसकी, बैक की, फ्रंट की, स्क्रूज वगैरह। तो यहाँ पर ये इतना भी चीप नहीं होने वाला है कि हर कोई बंदा करा पाए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी भी गाड़ी का फेसलिफ्ट कराते हैं और नई किट इंस्टॉल करते हैं, इस तरह आईफोन को आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो यहां पर इसकी जो मैं कॉस्ट आपको बताऊं, आईफोन एक्स से 12 प्रो में कन्वर्ट करने के मार्केट जो रेट है वो 25,000 से 26,000 रुपए हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट मॉडल्स में प्राइस वेरी करते हैं। 10s मैक्स को 13 प्रो मैक्स से 12 प्रो मैक्स में कन्वर्ट करने के प्राइस जो है वो मे बी 29,000 से 30,000 रुपए हैं, और हर मॉडल का अलग प्राइस ब्रैकेट है उसकी किट के हिसाब से और इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी। आप मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं कि ये बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखें अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती एक जेन्युइन चीज में जाने के लिए और आप डेस्परेट हैं, आपको करना है, ठीक है। अगर मैं हूं तो मैं कभी भी ना करूं, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप इस फिर चीज के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको शौकिया करना चाहिए अगर आपको अपनी क्लास बरकरार रखनी है बिना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। सो यू कैन डू दिस, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी आपको। इतना कोई हॉट टॉपिक नहीं था लेकिन मैंने सोचा चैनल पर कवर करना जरूरी है। तो अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दें, इंशाल्लाह आपके टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।